बी टू बी यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आज मैं बात करूंगी किताबों की, किताबों से जुड़े धर्म की और धर्म से जुड़ी किताबों की। किताबों का धर्म से, या कहूँ धर्म का किताबों से ही गहरा नाता है। कुछ धर्म किताबों के ही आधार पर बने और विकसित हुए और प्रचारित प्रसारित हो रहे हैं। अब जैसे ईसाई धर्म के लिए बाइबल, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स, ये किताबें हैं जिन पर ही आधार रखा गया है ईसाई धर्म का। कुरान जो है वो भी इस्लाम धर्म का आधार है। शरीयत भी एक किताब है और उसी पर आधारित है धर्म। ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब हैं सिख धर्म का आधार। तो किताबों का और धर्म का ही गहरा नाता है। आधार किताब होते हैं जिन पर धर्म विकसित हो रहे होते हैं। हिंदू धर्म में भी ऐसे ही किताबें हैं। किताबों को बेस करके उनके आधार पर धर्म पल बढ़ रहे हैं और हमारे पास कई सारी किताबें हैं। तो ये किताबें जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ भी किताबें ही हैं। पांडुलिपियाँ क्या हैं? पांडुलिपियाँ भी किताबें हैं। किताबों के पुराने संस्करण वर्जन्स हैं। तो अब जब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, तो उसमें हम बात कर सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, वेद पुराण। ये सब के सब क्या हैं? ये सब भी किताबें हैं। अब इस वक्त देशव्यापी एक आंदोलन सा चल रहा है। एक तरह से पूरा का पूरा देश और एक धर्म उद्वेलित है, उत्साहित है, क्योंकि उसके धर्म के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अवसर आने जा रहा है। और इसी से रिलेटेड हम आपसे दो किताबों की बात करने वाले हैं। पहली किताब है सुंदरकांड की। यह पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के अंतर्गत पेंगुइन स्वदेश से प्रकाशित हुई है। इसकी कीमत है 399 रुपए, पृष्ठ हैं 208। यह गोस्वामी तुलसीदास का एक बहुत बड़ा सा काव्य रहा है, रामचरितमानस, जो उनका गौरव ग्रंथ कहा जाता है। तो ये उसी का ही एक अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में से एक का स्थान प्राप्त है। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का सबसे अधिक लोकप्रिय खंड है। सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन है। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व भी है। सुंदरकांड में हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी तक के घटनाक्रम आते हैं। इस सोपान के मुख्य घटनाक्रम है हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट करके उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी। इसी के साथ इस पुस्तक में हनुमान चालीसा, आरतियां और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब मैं आपको सुंदरकांड के ही कुछ दोहे और चौपाइयां पढ़ के सुना रही हूं। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखी पदकंज। करुणा के समूह रघुनाथ जी प्रेम पूर्वक सबसे मिले और कुशल पूछी। सबने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन मिल गया, इसलिए अब सब कुशल ही है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे राम जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसके लिए सदा शुभ है और उसकी निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि उस पर सभी प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भय उस सब काजु, जन्म हमार सुफल भा आजु। वही विजयी विनयी और गुणों का समुद्र
हो जाता है उसी का सुयश तीनों लोकों में प्रकाशित हो जाता है। प्रभु जी की कृपा से सब कार्य हुआ है और हमारा जन्म आज सफल हो गया है। नाथ पवन सुत कीन जु करनी, सह सहु मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, हनुमान जी ने जो कार्य किया उसका वर्णन हजार मुख से भी नहीं किया जा सकता। जामवंत ने हनुमान जी का सुंदर चरित्र रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही अलाए। कहो तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वपान की। सुनकर हनुमान जी के चरित्र राम जी के मन में बहुत भाए। फिर उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। राम जी ने पूछा, हे तात, कहो जानकी किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण केहि पाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। वे नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला है। ऐसी दशा में उनके प्राण किस मार्ग से जाएंगे। इसके बाद एक और किताब है जिसके बारे में आज अब बात करना चाहूंगी। वह है पद्मश्री नरेंद्र कोहली जी की राम गाथा से जुड़ी बहुत बहुत ही चर्चित किताब अहल्या की। जनकपुर जाते हुए विश्वामित्र मार्ग में राम और लक्ष्मण को ऋषि गौतम के पुराने आश्रम ले जाते हैं, जहां अहल्या अपने पति के शाप से पत्थर बनी हुई है। वाल्मीकि रामायण में राम के दर्शन मात्र से और तुलसीकृत रामचरित मानस में राम के चरण स्पर्श से अहल्या पत्थर से पुनः नारी बन जाती है। अहल्या के नारी बन जाने पर वाल्मीकि के राम और लक्ष्मण अहल्या के चरण छूते हैं, जबकि तुलसी की अहल्या राम के चरण स्पर्श करती हैं। प्रश्न उठता है कि यदि अहल्या ने व्यभिचार किया था तो राम उनके चरण छूने अथवा उनसे अपने चरण छुवाने क्यों गए। विश्वामित्र को क्या सहानुभूति थी अहल्या से कि वे राम और लक्ष्मण को उनके आश्रम ले गए। पति द्वारा त्याग दिए जाने के बावजूद अहल्या के मन में उनके प्रति कोई रोष भी नहीं दिखता और वे उनके पास लौटने को आतुर दिखती हैं। और उधर उनका त्याग करने वाला पति भी अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। तो फिर उस शाप और उस त्याग का क्या अर्थ था। मंथन करने के पश्चात लेखक के समक्ष यह प्रसंग एक पीड़ित दंपति की कथा के रूप में सामने आता है, जो साधारण बुद्धिजीवी थे और जिनका अपराधी था अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ताधारी देवराज इंद्र, जिसे दंडित करने की कल्पना भी समाज नहीं कर सकता था। राजनीति के पास भौतिक बल है, जबकि साधक बुद्धिजीवी के पास केवल आत्मबल। किंतु उसका वह आत्मबल किस तरह राम को अपने पास खींच लाता है, यही इस उपन्यास का कथ्य है। अहल्या के संबंध में उठने वाली सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए नरेंद्र कोहली इस प्रसंग को इतना महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बना देते हैं कि अनायासी अन्याय के प्रतिरोध का महत्व हमारे सम्मुख प्रकट होने लगता है। सुनाते हैं अब एक पुराना संवाद, जब कोहली जी से मंजीत जी ने बात की थी। आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे लेखक से जिसे हम सब ने पढ़ा है और महासमर हो या अभ्युदय हो, इन्होंने भारतीय जो मिथकीय या महाकाव्य कहानियां उसको हिंदी में एक नए कलेवर में पाठकों तक पेश किया। और शायद जितना रामचरित मानस पढ़ा गया होगा उतना ही हम सब ने, हमारे युवा वर्ग ने या जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं उन सब ने महासमर और अभ्युदय को पढ़ा होगा। राम और महाभारत की कहानी अलग अंदाज में अलग करेंगे, लेकिन अब उन्हीं जिनका परिचय देना मैं अपना छोटा समझता हूँ परिचय देना, नरेंद्र कोहली जी की दो किताबें आई हैं, एक है अहल्या और दूसरी किताब जो है वो है इंद्रधनुष। तो ये देखिए, दोनों ही किताबें हिंद पॉकेट बुक्स के जरिए आई हैं। हम सीधे बात करते हैं नरेंद्र कोहली जी से। सर, क्या ये दोनों ही किताबें
क्या फिर से माइथोलॉजी है या कुछ अलग है? नहीं, ये तो कहानी संकलन है जी। अहल्या तो निश्चित रूप से आपका परिचित पात्र है, जिसको वाल्मीकि ने दिखाया कि राम ने जाके अहल्या के चरण छुए, और तुलसी ने दिखाया कि राम ने जाके चरण छुआए। दोनों का जो युगों का अंतर है, दोनों के दृष्टिकोण का अंतर है। और आज जब नारी समस्या सबसे ज्यादा प्रबल रूप से अखबार में चार पृष्ठ होते हैं, इनकी रक्षा कैसे होगी, दोषी है कि दूषित है, जिम्मेदार कौन है, इत्यादि इत्यादि जो भी है, वो सारी समस्याएं अहल्या पर पूरी तरह से खड़ी होती है। आप उनके माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि उस युग में जब उसको दूषित मान करके सब लोग छोड़ गए और वो पथरा गए, शिलावत हो, समाज ने त्याग कर दिया, तो समाज के विरुद्ध जाकर राम जाकर के उनके चरण छूते हैं और उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। सर, एक सवाल ये उठता है कि क्या आपके राम नरेंद्र कोहली के राम वाल्मीकि वाले राम है या तुलसी वाले राम? अधिक निकट तो वाल्मीकि के अधिक निकट है, क्योंकि मुझे लगता है कि उपन्यास के लिए वाल्मीकि ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि प्लॉट कंस्ट्रक्शन है। तुलसी में क्योंकि भक्ति है तो प्लॉट कंस्ट्रक्शन जैसी चीज कम है, कथा प्रवाह ज्यादा है, भक्ति है, काव्य है, वो सब इनमें। मुझे क्योंकि संस्कृत नहीं आती इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वाल्मीकि का काव्य कैसा है, मैं उसको समझ नहीं सकता। तुलसी को तो हम जानते हैं। सर, एक सवाल और, जो आपकी जो अभ्युदय को पढ़ करके, जितना हमने बचपन से पढ़ा है, ऐसी अभ्युदय के जरिए राम को जाना है, बाद में हमने मानस के जरिए राम को जाने की कोशिश की, आपके राम शुरू में आंदोलनकारी दिखते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, ऋषियों को भयमुक्त करवाते हैं, एक महिला को एक महिला को जिसको समाज ने ताड़ना दी है उसको जाकर के वो मुख्य धारा में लाते हैं, क्या बाद में वो राम कैसे पति, अब सीता को लेकर के उतने सदाए नहीं होते हैं जितना अहल्या को लेकर? अब तो नरेंद्र कोहली के राम की बात कर रहे हैं ना? जी जी, नरेंद्र कोहली के राम ने क्या सीता के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया? हमने तो रावण वध पर कहानी समाप्त की। वाल्मीकि रामायण में भी रावण वध तक ही है, बाकी प्रक्षिप्त है। तुलसी ने वो प्रसंग लिखे ही नहीं, उत्तरकांड लिखा ही नहीं, वो भक्ति की बात है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि वो सर्वमान्य नहीं है। और उत्तर रामचरितम में भवभूति ने वो युग जब बदल गया, तब उस युग की अपनी मजबूरियां होंगी, जिनके अपनी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए उन्होंने वो कथा का वो खंड जोड़ा। तो वो राम है जो राजा बनने के बाद स्वजन निष्ठुर, अपने लोगों के प्रति निष्ठुर। अब आज अगर नरसिम्हा राव को कहा गया कि आपके बेटे ने यूरिया का ये किया है, तो उनका नहीं, नथिंग में कुछ नहीं किया है, छोड़ो। राम को जब ये कहा गया कि समाज के निम्नतम स्तर से एक आदमी ये कह रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक, जब तक प्रजा स्वीकार नहीं करती तब तक राम सीता से अलग रहे। रोते रहे, खाना नहीं खाया, जमीन पर सोए, सब कुछ किया, जानते हैं कि सीता निर्दोष है, फिर भी वो किया। तो राम का मतलब राजा कैसा होना चाहिए ये बताने के लिए भवभूति ने वो सारे चरित्र, वो सारी घटनाएं, राजा को स्वजन निष्ठुर, अपने लोगों के प्रति निष्ठुर होना चाहिए, उसको अपने लोगों के मोह में गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब आपको मैं सुना रही हूँ एक वो हिस्सा जहां पर राम अहिल्या के पास जाते हैं। राम, है ना यह आश्रम अद्भुत और विचित्र, गुरु का स्वर कर्णमय हो गया। राघव, यह ऋषि गौतम का वही परित्यक्त आश्रम है जहां इंद्र द्वारा अहिल्या पे अत्याचार हुआ था। लक्ष्मण की आंखों में क्रोध उमड़ा और मुख से अनजाने हुंकार फूटी, इंद्र भ्रष्ट सत्ताधारी। राम की गंभीरता में करुणा घुल गई। विश्वामित्र अपने प्रभा में कह रहे थे, आज भी अहल्या सामाजिक रूप से परित्यक्त
मानवीय समाज से अनसंपर्क अपने इस आश्रम में सर्वथा एकाकी, जड़वत और शिलावत निवास कर रही है। वह सामाजिक मर्यादा पाने की प्रतीक्षा कर रही है। लक्ष्मण के रौद्र रूप पर हल्का सा कौतूहल छा गया। अनजाने ही उसकी आंखों में जिज्ञासा झांक गई, अर्थात कथा यहां रुकी पड़ी है? कथा यहां रुकी नहीं पड़ी लक्ष्मण, राम किसी स्वप्न लोक में से बोल रहे थे, वह आगे बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। विश्वामित्र के मन का कोई तंतु फीक उठा। राम सचमुच उनकी इच्छित दिशा में सोच रहे हैं। राम निश्चय ही कर्म करेंगे, उचित कर्म। राम के मन में बिखरे अनेक प्रश्न, भाव, सूत्र एक आकार ग्रहण कर रहे थे। उन सबका केंद्रीकरण उन्हें कर्म की ओर प्रेरित कर रहा था। वे सोच रहे थे, गुरु विश्वामित्र उन लोगों को सीधे जनकपुर न ले जाकर यहाँ क्यों लाए हैं? सिद्धाश्रम से चलते ही उन्होंने अहल्या की कथा क्यों आरंभ कर दी थी? क्यों पिछले 3 दिनों से वे अहल्या के विरुद्ध हुए अत्याचार को रेखांकित कर रहे हैं? क्या चाहते हैं गुरु? कर्म का समय आ गया था। राम निर्णय पर पहुंच गए थे। ऋषिवर, क्या मुझे देवी अहल्या के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति है? ऋषिवर छलछला आई आंखों से हंस पड़े। राघव, तुम्हें भी अनुमति की आवश्यकता है? आज तक अनुमति की प्रतीक्षा करते रहे सीर ध्वज, शतानंद, गौतम, तुम भी अनुमति मांगोगे पुत्र? तो तुम उनसे कैसे भिन्न होगे? अनुमति की आवश्यकता उन्हें होती है रघुनंदन, जो दायित्व का बोझ तो अपने कंधों पर उठा नहीं सकते या उठाना नहीं चाहते। तुम अपने लिए स्वयं निर्णय करो। राम का आत्मविश्वास उनके होठों पर मुस्कुराया। आओ सौमित्र। लक्ष्मण इस समय अपने मन को पहचान नहीं पा रहे थे। वे क्रुद्ध थे, क्षुब्ध थे, पीड़ित थे, दीन थे, विस्मित थे, आतुर थे। क्या चाहते हैं वे? भैया राम निश्चित रूप से अनिर्णय की स्थिति में नहीं थे। वे बिखरे हुए भी नहीं थे, वे पूरी तरह एकाग्र थे। सम्मोहित से लक्ष्मण चुपचाप राम के पीछे चल पड़े। राम के क्रियाकलाप में कोई उत्तेजना नहीं थी, उनकी गति और मुद्रा सहज हो चुकी थी। राम आश्रम के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। सामान्यतः कुलपति की कुटिया आश्रम के केंद्र में ही हुआ करती है। एक स्थान पर रुककर उन्होंने चारों ओर देखा। एक कुटिया जो अपने आकार प्रकार में भी विशिष्ट थी और जिसके चारों ओर विशेष रूप से सुदृढ़ बाड़ बनाई गई थी, उनके सामने थी। कदाचित यही कुलपति की कुटिया होगी। राम ने बाड़े का फाटक खोला और भीतर चले गए। कुटिया के द्वार पर क्षण भर के लिए रुक खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो द्वार अपने आप ही खुल गया। वह भीतर से बंद नहीं था। राम ने द्वार पूरी तरह खोल दिया, कुछ क्षण तक प्रतीक्षा की और भीतर प्रवेश किया। विश्वामित्र उनके पीछे पीछे आकर कुटिया के द्वार पर खड़े हो गए। वे इसी क्षण की प्रतीक्षा पिछले 25 वर्षों से कर रहे थे। आज राम और लक्ष्मण स्वयं अपनी इच्छा से अहल्या की कुटिया में प्रवेश कर उसके सम्मुख जा खड़े हुए थे। राम अहल्या के सामाजिक बहिष्कार का अंत करने के लिए उद्यत थे, और एक बार राम द्वारा अहल्या को सम्मान मिल गया तो फिर कोई अन्य जन अहल्या के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकेगा। अस्पष्ट सी आहत से अहल्या का ध्यान भंग हो गया। उसने अचकचाकर आंखें खोल दी, सिर उठाकर देखा। आकृतियों को पहचानने में उसे थोड़ा समय लगा। वर्षों से उसने किसी मानव आकृति को इतने समीप से नहीं देखा था। वह तो प्रायः भूल ही गई थी कि किसी और मानव का भी इस लोक में अस्तित्व है। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में, उसके कल्पना लोक में, उसके विचारों में आकृतियां लौट रही थीं। जीवित प्राणियों की, मानवों की उसने पहचानना आरंभ किया। उसके सम्मुख एक नवयुवक और एक किशोर, दो सुंदर राजसी पुरुष खड़े थे, और उनके पीछे कुटिया के द्वार पर खड़े थे
कौन? विश्वामित्र? हाँ, वे ही थे। पिछले वर्षों में वे कितने बदल गए थे, किंतु उन्हें पहचानना कठिन नहीं था। अहिल्या समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वर्षों का अंतराल बीत गया, कभी कोई उसकी कुटिया में नहीं आया, उसके आश्रम में नहीं आया, और आज ऐसा क्या हो गया कि स्वयं ऋषि विश्वामित्र इन दो राजपुरुषों के साथ उसकी कुटिया में आ गए हैं? क्या अब वह पतिता नहीं रही? क्या अब वह मानव समाज को स्वीकार है? क्या अब वह अपने पति और पुत्र से मिल पाएगी? उसके कारण लोग उन्हें अपमानित नहीं करेंगे? ये ऐसे कौन पुरुष हैं जिन्होंने इतने भयंकर सामाजिक विरोध की चिंता नहीं की? अभी आपने सुना नरेंद्र कोहली जी की अहिल्या का एक भावभीना अंश। पेंगुइन बुक्स इंडिया से प्रकाशित नरेंद्र कोहली की अहिल्या, इसकी पेज संख्या है 160 और कीमत है 250 रुपये। साथियों, दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर बात करना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी बुक पायरेसी के बारे में सुना है? बुक पायरेसी यानी नकालों की बनाई असल से दिखती नकली किताब जो अक्सर आधी से भी कम कीमत पर आपको मिला करती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं किसका होता है? लेखक और प्रकाशक का। वह हक मारती है लेखक का और प्रकाशक का। आप अपने थोड़े से पैसे बचाने के लालच में सबसे बड़ा नुकसान करते हैं अपने ही प्रिय लेखक का, जिसने अपने कई साल और ज्ञान उस किताब को लिखने में खर्च किए होते हैं, और उसे बदले में अपनी किताब की ही पायरेटेड प्रति का एक पैसा नहीं मिलता। ज़रा सोच कर देखें कि आपके प्रिय लेखक पर क्या गुजरती होगी ऐसे में। अगर वो लेखक के तौर पर जीने की कोशिश कर रहा हो तो कितना मुश्किल होगा अगर उसके पाठक ही उसकी असल नहीं पायरेट किताब ही मतलब पायरेटेड किताब ही खरीद कर पढ़ते रहेंगे। प्लीज़ प्लीज़, पायरेटेड किताब खरीदने से पहले अपने लेखक के बारे में ज़रूर सोचें, और उस प्रकाशक के बारे में भी जिसने उसे छापने में, उसको एक शेप देने में, उसको एक इस रूप में आपके सामने पेश करने में अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना समय लगाया होता है। उसकी पूरी एक टीम होती है जो उसके पीछे काम कर रही होती है। तो एक बार फिर आपसे पायरेटेड किताब ना खरीदने की अपील करते हुए मैं इस एपिसोड का समापन करती हूँ। नमस्कार। B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे से आप नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। नमस्कार।